सभी मेरे साथ एक बार जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गो, युवा शक्ति, मातृ शक्ति, प्यारे बच्चों, मैं आपको अतीत में लेके जाना चाहता हूं। आज से लगभग 2008 में आपने अपने छोटे भाई, अपने बेटे, अपने साथी भाई भरत सिंह को अपने क्षेत्र का विधायक बनाया। उससे पहले चाहे गांव देहात हो, चाहे कॉलोनी हो, कोई भी कॉलोनी नजफगढ़ के चारों तरफ कहीं पे भी पक्का रोड नहीं होता था। विकास क्या होता है, रोड क्या होता है, पानी क्या होता है, नाली क्या होती है, कॉलोनी में नहीं पता था ना किसी को, क्योंकि विधायक आते थे, अपने रिश्तेदार का मकान बनवाते थे, रिश्तेदार के सामने रोड बनवाते थे, रिश्तेदार के सामने पानी लगवाते थे। लेकिन हमने जब अपने छोटे भाई को 2003 में यहां से चुनाव लड़वाया था, 8000 वोट उनको मात्र मिली थी, लेकिन मकसद था कि अपने नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र को और अपने आसपास के क्षेत्रों को हमने मजबूत और खूबसूरत बनाना है, ये संकल्प के साथ उसको विधानसभा में उतारा था। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया 2008 में और वो विधायक बन गया। उसने ये पहचान कराई कि एक विधायक की शक्ति, ताकत क्या होती है, जिम्मेवारी क्या होती है, अपने क्षेत्र के लिए उसका कर्तव्य क्या होता है, उसका धर्म क्या होता है। उसने अपने धर्म का पालन किया और आप लोगों के हर सुख में, हर दुख में, हर रोड नाली बनवाने का उसने काम किया, सुचारू रूप से आपको पानी देने का भी काम किया उसने। जो यूजीआर आज डंका पीटते, तरह तरह के लोग आ गए, एनआरआई लोग आके डंका पीटते यहाँ पे, उन्हें एनआरआई लोगों को भी पता होना चाहिए ये यूजीआर भरत सिंह ने अपने क्षेत्र को शीतल जल देने के लिए बनवाया था। लेकिन आज हमारा भाई कुछ है सामाजिक लोगों की वजह से हमारे बीच में नहीं है, उसके बाद हमारे परिवार ने ये निर्णय लिया, अब क्या होगा, इस संकल्प का क्या होगा, हमारी विधानसभा का क्या होगा, इसके लिए क्या किया जाए। उसके बाद आप लोगों से विचार विमर्श हुआ, आप लोगों से विचार विमर्श करने के बाद हमने फिर भाई गया तो परिवार से एक आदमी और आपके लिए तैयार किया। हमने भरत सिंह की भाभी को, जिसने भरत सिंह को, भरत सिंह ने राजनीति में उतारा था, उसको तैयार किया। इसलिए तैयार किया कि चाहे जिसको भी खोना पड़े लेकिन नजफगढ़ ठीक से है। साथियों, मित्रों, आप लोगों को मैं प्रश्न देखता हूं, भाई भरत सिंह, भाई भरत सिंह, भाई भरत सिंह, अजीत परिवार हमारे पास आया 10 दिन पहले, उसने ये बोला कि हमने भरत सिंह के सपने पूरे करेंगे, हमें आपकी जरूरत है, आपका परिवार हमारा परिवार एक हो चुका है। कोई महत्वाकांक्षी राजनीति की 10 दिन पहले नीलम को बीजेपी में शामिल किया है, सिर्फ और सिर्फ नजफगढ़ के सपने पूरे करने हैं, भरत सिंह के सपने पूरे करने हैं। अपने नजफगढ़ का हमने वही चेहरा, वही रूप देखना है जो आप लोगों ने हमने देखा था कभी भरत सिंह के टाइम में। तो साथियों, आज हम मोदी जी की पार्टी में हैं, जो दिवाली के दिन भी हमारे सैनिक भाइयों को पहाड़ी में जाकर दिवाली विश करता है, दिवाली मनाता है। एक एनआरआई आदमी हमारे बीच में आया 5 साल पहले और हमने उसको विधायक बनाया। उसका खामियाजा हमारा पूरा नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र बहुत रहा है। कितने माओ के बच्चे उजड़ गए, कितनी माओ बहनों के सिंदूर उजड़ गए,
कहीं हर जगह रोड फटा हुआ है, पुड़िया टूटी हुई है, हर गांव हर देहात हर कॉलोनी का बुरा हाल है। ऐसे विधायक को, एनआरआई विधायक को, जो हमारे कल्चर का नहीं है, जो हमारे से हाथ मिलाने के बाद 30 रुपए पर से हाथ पूछता है, उसको हमने खदेड़ना है। और अपने भाई अजीत सिंह को 8 तारीख को, भरत सिंह को याद करके 8 तारीख को दोनों को बरते, और 11 तारीख को एक नहीं दो विधायक पाओ, एक भरत सिंह के परिवार से। हमने भरत सिंह का सपना साकार करना है, मोदी जी को मजबूत बनाना है, और अपने नजर को और मजबूत बनाना है। उसके लिए मेरा परिवार हर बलिदान के लिए तैयार है, मुझे सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद प्यार लेने के लिए आया। हम अजीत परिवार के साथ तन मन धन से खड़े हैं, किसी भी सूरत में नहीं हलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नजफगढ़ के विकास के लिए सारी बागडोर अजीत और भरत सिंह फैमिली के साथ में रहेगी, और जो आप चाहोगे, जैसे चाहोगे, जो 2008 से 13 तक काम हुआ वैसे हम आपके बीच में काम करने का कार्य करेंगे। भरत सिंह गांव भी सुचारू रूप से चलेगा, आपको ये सोचने विचारने की जरूरत नहीं होगी कि आज हमारी लाइट नहीं है हम किसके पास फोन करें, आज हमारे पानी नहीं आया हम किसके पास फोन करें, क्योंकि सभी चीजें हम सुचारू रूप से देंगे। हर रोडों को पक्का करा देंगे, कॉलेज खोलेंगे, कोशिश करेंगे और स्कूल खुले। साथियों, भरत सिंह को याद करके उसको सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब 11 तारीख को कमल के बटन से भाई अजीत सिंह जीत के विजय होंगे। मैं यही प्रार्थना लेकर आया हूँ, कोई ऐसा शब्द निकल गया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक बार फिर मेरे साथ भाई भरत सिंह, भाई भरत सिंह, अजीत भाई, मोदी जी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।